यहाँ पे सिंघम अगेन को लेके एक अपडेट आई है। सिंघम अगेन का जो पिक है, एक पोस्टर जो लीक हो चुका है, पोस्टर नहीं है वो, लीक स्टिल्स फ्रॉम सिंघम अगेन, शूटिंग था वो और वो लीक हुआ है अभी, और उसकी ही अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, एक सेकंड। एनीवेज वो अक्षय कुमार का भी, अजय का भी है, और टाइगर श्रॉफ का भी हमें यहाँ पे पोस्टर, पोस्टर नहीं, वो एक सीन देखने को मिला है। बहुत ही बेहतरीन इन तीनों का एक सीन है। देखना ये है कि कौन किसको बचा रहा है। अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, जैसा कि थंबनेल में मैंने डाला है, एक साइड है अक्षय कुमार, दूसरी साइड है शायद, या फिर ये तीनों ही कहीं पे फंसे हैं। ब्लर पिक्चर, हाँ ब्लर पिक्चर से वो अभी तक, वो मतलब एचडी टाइप का वो नहीं आया है। अब लीक किया है जानबूझ के या फिर लीक हुआ है, अब ये वक्त बताएगा, अभी नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि लीक किया गया है पोस्टर। कभी कभी क्या होता है, ये जो पिक्चर्स लीक्स किए जाते हैं जिनका फ़ायदा बहुत होता है, और जवान के वक्त उन लोगों ने किए थे वो, हालांकि दिखा रहे थे कि भाई नहीं किए हैं, वो तो ऑटोमेटिक हुए है, एक्चुअली नहीं था वैसा, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसे रामायण जो फिल्म है उसके भी इन लोगों ने पिक्स, ऐसा कैसे लीक हो सकता है यार, ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती है वो ऑटोमेटिक हाइप बढ़ाने के लिए होता है। आई थिंक सिंघम अगेन के हाइप इनको स्पेशली बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तगड़ा हाइप है, ये फिल्म धमाका करेगी ऐसा लगता तो है। अब ये सोलो रिलीज़ नहीं होने वाली है भूल भुलैया 3 के साथ अभी तक बोला गया है। वैसे भूल भुलैया 3 के मेकर्स तो चाहते हैं कि उनकी फिल्म सोलो रिलीज़ हो, आगे चल के चेंज हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए, क्या आपको सिंघम से कोई उम्मीद है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और लाइफ टाइम कलेक्शन आपको बताइए क्या लगता है कितना हो सकता है इस फिल्म का।